एनिमेशन न जाने कितनी ही यादों को ताजा कर हमारे चेहरे पर मुस्कान ला देता है। मनोरंजन का यह माध्यम कई सालों से हमारा दिल बहला रहा है और आने वाले समय में भी यह हमारे दिलों पर राज करता रहेगा। बस समय के साथ इसके चेहरे बदलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी एनिमेशन के सफर को शुरू से जानने की कोशिश करेंगे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि एनिमेशन का इतिहास सिनेमा के इतिहास से भी पुराना है, जिसमें किसी इमेज के अलग अलग मूव्स को एक सीरीज में रखकर उसे मोशन के साथ प्रस्तुत किया जाता है, जिसे देखने वालों को ऐसा लगता है कि उस इमेज में हलचल हो रही है। एनिमेशन के शुरुआती दिनों को याद किया जाए तो उन दिनों शैडो प्ले हुआ करता था, जिसमें पपेट के जरिए कहानी को शक्ल दी जाती थी। लोग कहानी को न केवल सुन सकते थे बल्कि पर्दे पर पपेट्स की हरकतों को देख भी सकते थे। बदलते समय के साथ शैडो प्ले में भी विकास हुआ, टेक्नोलॉजी का साथ मिला और अब इसने मैजिक लैंटर्न के रूप में लोगों का मनोरंजन किया। यह एक तरह का प्रोजेक्टर था जिसके जरिए पिक्चर्स, पेंटिंग्स, प्रिंट्स और फोटोग्राफ्स को पर्दे पर एक कहानी के तौर पर प्रस्तुत कर लोगों का मनोरंजन किया जाता था। 1832 में एक बेल्जियन साइंटिस्ट जोसेफ प्लेटूग ने पहली बार इमेज में मूवमेंट का इल्यूजन क्रिएट कर एनिमेशन को एक नए रूप में प्रस्तुत किया, जिसका नाम उन्होंने पिनास्टिस्कोप दिया। इसमें एक कैरेक्टर के अलग अलग मूव्स को एक खास सीरीज में रखकर उसे मोशन के साथ दिखाया गया, जिससे उस कैरेक्टर को देखने से ऐसा लगता था मानो वह कैरेक्टर हरकत कर रहा हो। बाद में इसी पिनास्टिस्कोप से न केवल एनिमेशन को एक अलग पहचान मिली बल्कि इसी ने सिनेमा की भी नींव रखी। 1895 से 1920 यह वह समय था जब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सिनेमा का प्रभाव बढ़ रहा था। इसी दौरान एक नई एनिमेशन टेक्निक का विकास हुआ, स्टॉप मोशन। यह टेक्निक एनिमेशन के साथ साथ सिनेमा के निर्माण में भी काफी कारगर साबित हुआ। सच तो यह है कि सिनेमा के बढ़ते प्रसार ने एनिमेशन की लोकप्रियता को काफी चुनौती दी। सिनेमा जहां पर्दे पर एक फ्रीक्वेंसी में प्रस्तुत किया जाता था जिससे देखने वालों को एक कंटिन्यूटी का एहसास होता था, वहीं एनिमेशन एक के बाद एक चित्रों का क्रमबद्ध पैटर्न लगता था, जिससे लोगों में एनिमेशन की बजाय सिनेमा में रुचि बढ़ने लगी। ऐसे में 1908 में फ्रांस के एक नागरिक एमिलो कोल ने पहली एनिमेटेड फिल्म फैंटास्म गोरी बनाई। इस एनिमेटेड फिल्म ने ही आज के एनिमेशन की नींव रखी। इस एनिमेशन का निर्माण पेपर पर फ्रेम बाय फ्रेम ड्रॉ करके किया गया, जिसे सिनेमा के नेगेटिव पे फिल्माया गया। इस वीडियो को एक ब्लैक बोर्ड का रूप दिया गया और फिर लोगों को दिखाया गया, जिसे काफी पसंद भी किया गया। बाद में एमिलो कोल ने 1912 में अपनी इस तकनीक को न्यूयॉर्क लेकर गए, जहां इस तकनीक को उन्होंने और भी निखारा और यूएसए में इसे काफी प्रसिद्धि भी मिली। बात अगर एनिमेशन की हो तो भला वॉल्ट डिज्नी को कैसे भूल सकते हैं। वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन की स्थापना 16 अक्टूबर 1923 में कैलिफोर्निया में हुआ था। डिज्नी ने एनिमेशन को न केवल घर घर पहुंचाया बल्कि इसके कैरेक्टर्स तब से लेकर अब तक हमारे दिलों पर राज कर रहे हैं। मिक्की माउस, डोनाल्ड डक और गुफी जैसे कई डिज्नी कैरेक्टर्स हमारी यादों में रच बस गए हैं। बात अगर डिज्नी के शुरुआती दिनों की करें तो यह सफर भी काफी रोचक रहा है। उन दिनों टेक्नोलॉजी का स्तर आज की तरह बिल्कुल नहीं था। एनिमेटेड कार्टून्स आर्टिस्ट अपने हाथों से ड्रॉ करते थे। हर एक मोशन को ड्रॉइंग के जरिए पहले पेपर और फिर सेलुलॉइड पर बनाया जाता था। एक टीम जहां ड्रॉइंग पर काम करती थी तो वहीं दूसरी अन्य टीम्स भी थीं जो अलग अलग स्तर पर काम करती थीं, जैसे स्क्रिप्ट डिपार्टमेंट स्टोरी और डायलॉग्स पर ध्यान देती थी। वहीं एक टीम बैकग्राउंड म्यूजिक बनाने का काम करती थी। साउंड इफेक्ट की एक टीम अलग अलग तरह के साउंड इफेक्ट पर काम करती थी। इसके अलावा फिल्म के रिकॉर्डिंग की एक अलग टीम थी जो न केवल फिल्म रिकॉर्डिंग करती थी बल्कि एडिटिंग में भी अपना योगदान देती थी। इतने सारे एक्सपर्ट्स जब एकजुट होकर अपना बेस्ट वर्क देते थे तब जाकर हमें एक बेमिसाल एनिमेशन का आनंद मिलता था, या यूं कहें मिलता है और मिलता रहेगा।